मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। मुझसे जुर्म हुआ है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और माफी चाहता हूं। इसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, गोपाल शिर्के। सिचुएशन क्या है? फिलहाल तो कंट्रोल में लग रही है। क्या लगता है सिचुएशन संभल जाएगी? हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। वार्ड बॉय गोपाल शिर्के बेहद परेशान था। डॉक्टर कपिल भी हैरान परेशान थे। किसी से कोई गलती हुई थी, जुर्म किसी और का था और कोई और उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। जहां अपराध हुआ था उसे उसी चार दीवारी में कैद करने का प्रयास किया जा रहा था और यह उम्मीद की जा रही थी कि ना तो उस अपराध की कभी कोई दस्तक होगी, ना दरवाजा खुलेगा और ना ही वो अपराध कभी दिन की रोशनी देखेगा। मनोज, गोपाल, जा रही हूं मैं। और हाँ, सो मत जाना मेरे पीछे से। क्या मैडम, कभी कुछ नया भी बोल लिया करो, रोज एक ही बात बोलती रहती हो। जिस टाइप के तुम लोग हो ना, रोज याद दिलाना जरूरी है, समझे? यार ये बहुत प्रवचन देती रहती है। Thank you.
सो जाऊं क्या? सॉलिड नींद आ रही है, इसलिए वो कल्पना तुझे बोलती रही थी। अभी कल्पना गई ना यार, एक झपकी मार लेता हूँ, ठीक है? और देख मैं उठ जाऊंगा ना, उसके बाद तू भी सो जाना। ठीक है, सो जा। क्या हुआ प्रिया? मुझे नींद नहीं आती। क्यों नहीं आ रही? मेरी मम्मी ना दिन भर चप्पड़ चप्पड़ करती है, सोने ही नहीं देती। एक बात खत्म नहीं होती कि दूसरी भी चालू करती है। ठीक है बाबा, चलो अभी बहुत समय हो गए ना, चलो सो जाओ। चलो नहीं आती नींद। ये बंद करो और सो जाओ, बैठो, चलो चलो लेट जाओ। मम्मी किधर है? मम्मी कोई नहीं है वहाँ पे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, और तुम सो जाओ चलो। और कल सुबह जल्दी उठना है ना, बाहर घूमने जाना है ना। वेरी गुड, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। वेरी गुड। दवाई कड़वी ही होती है। ये तो बहुत ही कड़वी है। नाक बंद करके पी जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा। लक्ष्मी ताई कशी आहेस? काय झालं? अरे सुबह सुबह मूड क्यों खराब है? प्रिया प्रिया चलो उठो, 9 बज गए, उठो। थोड़ी और देर सोने दो ना। बहुत हुआ सोना, अभी घूमने का टाइम है ना, चलो उठो। दीदी कल रात को ना मुझे एकदम नींद नहीं आई। क्यों? हमेशा की तरह मम्मी ने मुझे परेशान किया। उसके बाद ना गोपाल ने भी मुझे तंग किया। क्या किया गोपाल ने? वो मेरे पास आया और ना मैंने उसे बताया कि मेरी मम्मी चप्पड़ चप्पड़ करती है, मुझे सोने नहीं देती। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें अच्छे से सुला दूंगा, और उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे तंग किया, मुझे सोने नहीं दिया। मैम वो ठीक नहीं है। बोल क्या रही है? यही कि गोपाल उसको देर तक परेशान करता रहा। कहाँ है गोपाल? उसकी रात की शिफ्ट थी, अभी तो वो घर चला गया। तुम एक काम करो, प्रिया को लेकर आओ, मैं उससे बात करूँ। ओके मैम। प्रिया मुझे बताओ क्या हुआ था? मुझे बोला कि कुछ दिखाएगा, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं दिखाया। मुझे तंग करता रहा, मुझे परेशान किया उसने। मुझे अब क्या करना होगा? कुछ नहीं प्रिया, बस लेट जाओ, गुड गर्ल ना, चलो।
आंटी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं प्रिया, तुम बस आराम से लेटी रहो। हाँ देविका। प्रदीप, कहाँ हो तुम? मैं दूसरे हॉस्पिटल आया था कंसल्टेंसी के लिए। क्यों, क्या हुआ? क्लिनिक आ सकते हो अभी? पर हुआ क्या? बहुत अर्जेंट है। ठीक है, आता हूँ। कल्पना, गोपाल को बुलाओ अर्जेंटली, लेकिन रीजन मत बताना। ओके मैम। कहाँ है गोपाल? आ रहा है। क्यों, मुझे क्यों बोले? ये तो सर और मैडम ही बताएंगे। तुम लोग करती हो और सुनना मुझे पड़ता है तुम्हारे बाप से। सारा दोष मेरे ही माथे आता है। देखो देखो क्या कर डाला तुम लोगों ने। उठो प्रिया, उठो। मैंने बोला ना, और कान फूट गए क्या तेरे? प्रिया जा, बिखरती है फिर बैठ जा, हाथ पे हाथ रख के। देखो क्या कर डाला तुम लोगों ने। उठो प्रिया, उठो। मैंने बोला ना, उठ। ये पहली बार हुआ है ऐसे तो नहीं लगता। पिछले 6 सालों से हो रहा है। क्या आपको या इनकी माँ को ऐसा कुछ, मतलब किसी किस्म की परेशानी? प्रिया और अनीता की माँ मेरी पहली पत्नी थी, वो भी दिमाग से थोड़ी परेशान थी। अनीता मेरी बड़ी बेटी, उसने तो अपने आप को संभाल लिया कैसे भी करके, लेकिन प्रिया वो अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। उस पर उसकी माँ के हरकतों का, उसके व्यवहार का बहुत असर हुआ है। कहाँ है इनकी माँ? पता नहीं, कुछ 3 साल पहले एक कागज के टुकड़े पे मैं जाती हूँ कभी नहीं आऊंगी करके लिख के चली गई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली, हमने पुलिस कंप्लेन भी किया। प्रिया को लगातार लंबे इलाज की जरूरत है, आपको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रिया, कोई तुझे कुछ नहीं बोल रहा है। मम्मी नहीं है वहाँ पर। प्लीज दरवाजा खोल। साला प्रिया, दरवाजा खोल। देखो ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें चोट लग जाए, सुन रही है ना तू? प्रिया देख, मैं तेरी आई हूँ। देख तेरी आई कितने प्यार से तुझे बुला रही है। प्रिया दरवाजा खोल। आजकल क्या बताएं, बहुत डर लगता है कहीं अपने आप को कुछ कर ना बैठे। साहब उसे जब दौरे पड़ते हैं ना तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब से इसका इलाज शुरू हुआ है सुधार के कोई साइन दिखाई नहीं दे रहे। शायद जब दवा का असर खत्म हो जाता है तो इसे इसका इमेजिनरी वर्ल्ड फिर से घेर लेता है। ये एक्चुअली मेंटली ग्रो ही नहीं कर पा रही। तो क्या करें, क्योंकि इसे संभालना हमारे बस के बाहर हो जाता है। आप लोग एक काम कीजिए, इसे हमारे क्लिनिक में भर्ती कर दीजिए। हमारी देखरेख में रहेगी तो हो सकता है कि वक्त के साथ सुधार आ जाए।
क्या हुआ था गोपाल? कुछ नहीं मैडम, मैंने तो बस उसको सुलाया था। देख गोपाल, प्रिया की हालत जैसी भी हो, लेकिन तू ये मत समझना कि जो तूने उसके साथ किया है वो सामने नहीं आएगा। सब मैंने कुछ भी नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? तूने उसे सेक्सुअली वायलेट किया है। मैंने खुद प्रिया का चेकअप किया है और प्रिया ने मुझे साफ साफ बताया कि तूने उसे हैरेस किया है। देख गोपाल, तूने जो कुछ भी किया है सच सच बता दे, वरना मुझे तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। माफ करना साहब, गलती हो गई मुझसे, रोक ही नहीं पाया खुद को, पता ही नहीं क्या भूत सवार था। नहीं आ रही नींद मुझे। तुम्हें सोना है? सोना है ना? हाँ, लेकिन मम्मी ना मुझे सोने नहीं देते। तू मेरे साथ चलेगी, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, फिर ना तुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। चल। कहाँ? चल तो सही, चल। चल दिखाता हूँ। क्या है? अंदर चल तो सही। अच्छा नहीं लग रहा ये, क्या है ये? तुझे पता तूने क्या किया? अरे उस बेचारे को तो ये तक नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है। माफ कर दो साहब, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। फोन दे। माफ कर दो साहब, जिंदगी में दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक बार माफ कर दो ना। मैंने कहा ना फोन दे। चल अंदर। साहब, साहब क्या कर रहे हो साहब? जब तक मैं नहीं लौटता तू यहीं रहेगा। साहब माफ कर दो ना साहब, साहब ऐसे क्यों करो साहब? साहब 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 माफ कर दो ना साहब, साहब साहब माफ कर दो ना साहब, साहब साहब माफ कर दो ना साहब, साहब साहब माफ कर दो ना साहब। ये मामला बहुत ही डिस्टर्बिंग है और हम लोग बहुत ही सावधानी से इसे संभालने और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी इसे बहुत ही सावधानी से हैंडल करें ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने हमेशा अपना काम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किया है, लेकिन उस कमीने की टुच्ची हरकत की वजह से आज क्लिनिक के नाम पर कीचड़ उछलने की नौबत आ गई है, हमारी इज्जत पर धब्बा लग सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, हम सब प्रिया की हालत से वाकिफ हैं, उसके दर्द को समझते हैं, महसूस करते हैं, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखें, उसका इलाज अच्छे से हो। पर ये जो कुछ भी हुआ है, इस सिचुएशन को संभालने के लिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। ये क्लिनिक की इज्जत का सवाल है, एक बार नाम डूबा तो हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए जो कुछ भी हुआ है हम उस पर मिट्टी डाल दें और इस बात का जिक्र किसी से ना करें, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। प्रदीप, प्रिया ठीक से ये तो नहीं जानती कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ तो अपने घर वालों को बता ही देगी। इस बात की जिद पकड़ ली है उसने। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। प्रिया, मैं अभी तुम्हें दवाई दे दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मुझे बाबा से मिलना है,
मुझे दीदी से भी मिलना है, मुझे उनसे मिलाओ ना, अभी मिलना है, मुझे मिलाओ ना उनसे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आराम करो प्रिया। मेरी बात कराओ ना उनसे अभी। प्रिया प्रिया, मेरे ख्याल से हमें उसके घर वालों को बुलाकर बात करनी चाहिए। और अगर उन्होंने मामला पुलिस तक ले जाने की जिद की तो? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर शुरू हुआ मामले को दबाने के लिए एक गुप्त अभियान। उन्होंने कुछ ऐसा स्वांग रचा। चलो एक बार में निकल जाओ इसे, जल्दी से। पहले पानी दो। पहले दबा लो, मुझे पता है तुम बाद में लोगी नहीं। चलो चलो। गई अंदर। गुड गर्ल। अगर पुलिस के हवाले कर दिया ना मैंने तुझे, तो मार मार के भुर्ता बना देगी तेरा। प्लीज ऐसा मत करो साहब, मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा आपको, बस एक बार माफ कर दो। एक ही रास्ता है तेरे पास, सिर्फ एक ही रास्ता, 3 लाख का इंतजाम कर। बहुत गरीब आदमी हो, कहां से लाऊंगा इतना पैसे? बहुत सी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, पैसों का इंतजाम कर वरना देता हूं तुझे पुलिस में। साहब एक बार माफ कीजिए ना प्लीज। अपने बाप को फोन लगा और उसको बोल पैसों का इंतजाम करे। अपने बाप को बोल कल आके मुझसे मिले। क्या हुआ, कुछ कहा उन्होंने? नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है कल दोपहर में आके मिलो। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। जी जी, यहाँ गोपाल काम करता है ना, उसका मैं पिता हूँ। अच्छा बोलिए। गोपाल का मेरे पास फोन आया था कि जल्दी चले आओ, औरंगाबाद से भागा चला आया हूँ, लेकिन यहाँ ना गोपाल है ना उसका फोन बज रहा है, बंद आ रहा है फोन, कोई मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है। हर आदमी यही बोलता है कि डॉक्टर साहब आएंगे और वो आपको बताएंगे। देखिए डॉक्टर साहब अभी राउंड पे हैं, वो आपसे जल्दी मिलेंगे। साहब गोपाल कहाँ है, बात क्या है? बहुत ही गलत काम किया है उसने, अपराध किया है उसने। साहब किया क्या उसने? उसी से पूछिएगा, वही बताएगा आपको। जाइए। गोपाल तुम चुप क्यों, और ये सब लोग क्या छुपा रहे मुझसे, और तूने इतने घाई से मुझे क्यों बुला लिया, बोलो गोपाल। मुझे मेरे बाबा से मिलना है, कब आएंगे वो? हाँ अभी मिलना है मुझे। प्रिया थोड़ा सब्र रखो, बाबा आ रहे हैं, आ जाएंगे। मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आता है और ना वहाँ पे दुखता भी है, वो गोपाल बहुत गंदा है। प्रिया ने रट लगा रखी, जब तक वो अपने बाबा से बात नहीं कर लेती वो इस बात को भूलने वाली नहीं है, इस बात ने उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर किया है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, पहले मैं गोपाल के बाप से निपट लूँ,
उसके बाद प्रिया की फैमिली को देखूंगा। गोपाल, गोपाल ऐसे कैसे कर सकता है तू? बाबा गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, वो संभल ही नहीं पाया खुद को मैं। बाबा बाबा बचा ना मुझे, बाबा बाबा पैसे का इंतजाम करो ना बाबा, बाबा मैं मर जाऊंगा नहीं तो यहाँ पे, बाबा मुझे छुड़ाओ ना बाबा, बाबा तुमसे पूरा सटी काई तेरी करे ना बाबा। देखिए मैं किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तो आप किसी से पैसे कैसे मांग सकते साहब? आपके बेटे ने गंभीर जुर्म किया है, आप जानते हैं ना कि अगर पुलिस को पता चला तो क्या होगा? आप भी तो डरे हुए हैं साहब, अगर पुलिस को पता चल जाएगा तो क्लिनिक के नाम पे भी धब्बा लगेगा साहब। सुनिए, मैं पुलिस को भी बुलाऊंगा, मीडिया को भी बुलाऊंगा और प्रेस को भी, और उनसे कह दूंगा कि इंटरनल जांच चल रही है और अपराधी पर उचित कार्रवाई होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमें उस लड़की का सारी जिंदगी मुफ्त इलाज करना पड़ेगा, हम कर देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोच लीजिए आपके बेटे गोपाल और आपके परिवार के साथ क्या होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप शाम तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए, वरना आपके और आपके बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो पहले आप लोगों से मिलना चाहते हैं, अभी 15 मिनट में आ जाएंगे, आप लोग बैठिए। पण कहा, हुआ क्या है, हम सीधे प्रिया से क्यों नहीं मिल सकते? कुछ भी तो नहीं हुआ सर। कुछ तो जरूर हुआ है, वरना आप हमें प्रिया से सीधे मिलने क्यों नहीं दे रही हैं? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ, बैठिए आप लोग। अरे पण, अरे हाँ, सिर्फ 10 मिनट रोक के रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। प्रदीप, वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं, अब वो जल्दी आ गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत इंपेशेंट हो रहे हैं, अब प्रिया से मिलने से हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें मिलने दो, मैं आकर हैंडल करता हूँ। प्रिया से मिलने दो उन्हें। बाबा, मैं बहुत परेशान थी और मम्मी भी मुझे चिल्लाती रहती थी, फिर वो गोपाल आया और उसने कहा कि वो मुझे सुला देगा, फिर वो मुझे बाहर लेकर गया दूसरे कमरे में और मुझे बोला कि मैं कुछ दिखाऊंगा। मैंने उसको पूछा क्या दिखाएगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं दिखाया, उसने मुझे परेशान किया, तंग भी किया। वो गोपाल है ना, वो बहुत गंदा है। प्रिया, प्रिया सुन बेटा, कि क्या किया उसने? हाँ प्रिया, देखिए वसंत जी, जितने सदमे में आप हैं उतने ही सदमे में हम लोग भी हैं, हमें भी उतना ही गुस्सा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि इस मामले को थोड़ा शांति से संभालने की कोशिश कीजिए, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। गोपाल कहाँ है? देखिए गोपाल को उसके हिस्से की सजा मिल रही है, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ, कहाँ है गोपाल? देखिए वसंत जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, गोपाल अपने हिस्से की सजा भुगत रहा है, वो प्रिया के साथ ऐसे कर कैसे सकता है? हमने प्रिया को आप लोगों के भरोसे छोड़ा था, आपने होने कैसे दिया? देखिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और तहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं, इस मामले को उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। मंजे, वो ऐसे निकल जाएगा आराम से? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसे उसके हिस्से की सजा मिलेगी। वैसे तो
ऐसे मामलों में किसी भी तरीके का कोई भी हर जाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप लोग 2 लाख ले लीजिए और इस मामले को रफा दफा कर दीजिए। इस मामले को उछालने से कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, 2.5 लाख। मैं जानता हूं कि इस पैसे की आपके लिए क्या अहमियत है, और हम वादा करते हैं हम प्रिया का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये मामला बाहर गया तो हम सभी के लिए बहुत बुरा होगा। हाँ ठीक है, ओके। चार बजे तक गोपाल का बाप पैसे लेकर आ जाएगा, कल सुबह हम प्रिया के माँ बाप को पैसे दे देंगे, समझो कि मामला खत्म। मामला खत्म, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, किसने जुर्म किया, किसने भुगता, लेकिन ये बात, ये अपराध क्या ऐसे ही दब जाने वाला था? साहब मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। आप पुलिस को बुलाना चाहते हैं तो बुलाओ, मेरा बेटा अगर अपराधी है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। साहब मैं गरीब जरूर हूं लेकिन ईमानदार हूं, जिंदगी में जैसा भी मुझे मौका मिला मैंने मेहनत की है, बेईमानी की कमाई नहीं की जो एक अपराधी पे उड़ा दूं क्योंकि ये मेरा बेटा है। नहीं साहब, साहब इसके साथ आपको जो करना है करिए, ये मेरा बेटा नहीं है। अब हमें ही कुछ करना होगा। करना क्या है, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। और इस गोपाल का क्या करें? वही मैं भी सोच रहा हूं, इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए हमें यहां से। मुझसे जुर्म हुआ है, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और माफी चाहता हूं। इसके लिए मैं और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, गोपाल शिर्के। मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूं। और लेटर? ड्रॉअर में है। हे भगवान, मैं प्रिया की आई नहीं हूं लेकिन एक औरत हूं। जुल्म हुआ है हमारी प्रिया के साथ और दुख की बात यह है कि वो बेचारी जानती तक नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है। प्रिया के साथ यह घिनौना काम करने वाला अगर बच गया ना तो यह प्रिया के साथ बड़ा अन्याय होगा। और वो बेशरम लोग हमें पैसों का लालच दे रहे हैं, लेकिन अगर हमने वो पैसे ले लिए और चुप हो गए तो हम उनसे भी बड़े बेशरम होंगे। तुरंत बुलाइए अपने हस्बैंड डॉक्टर प्रदीप को जहां भी है वो, और बताइएगा मत कि हम यहां पे हैं। क्या हुआ, हम कहां जा रहे हैं? प्रिया बेटा, तुमने कहा था ना कि गोपाल ने तुम्हें तंग किया,
इसलिए हम तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे इस बात के बारे में सबसे पहले पता चला था, और जैसे ही पता चला मैंने सर को, मैडम को, दोनों को तुरंत बता दिया था। गोपाल कहाँ? कहाँ है गोपाल? उसे स्टोर रूम में बंद करके रखा है। चाबी? प्रदीप सर के पास, वो हमेशा अपने पास ही रखते हैं। वाइफ बोल रही थी कि आपके पास गोपाल का कोई कन्फेशन लेटर है, कहाँ है वो? सारे स्टाफ के सबके बयान दर्ज करो। यस मैम। और आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। हमें इसका मेडिकल टेस्ट कराना होगा। जुर्म पर पर्दा डालने की सारी कोशिश बेकार गई। प्रिया की मेडिकल जांच हुई और शुरुआती रिपोर्ट में ही यह बात साबित हो गई कि प्रिया का यौन शोषण हुआ है। प्रिया का इलाज किसी दूसरे अस्पताल में चल रहा है। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेहद सावधानी से उसका स्टेटमेंट लेने का प्रयास कर रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। गोपाल को IPC की धारा 376 के तहत बुक किया गया है। जो लोग इज्जत बचाने के लिए लीपापोती करते हैं, आखिर में वो अपनी इज्जत खो ही बैठते हैं। बहुत से लोग ये तर्क पेश करेंगे कि अक्सर पावरफुल और रसूख वाले लोग अपने प्रभाव से अपने बुरे कर्मों को छिपाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक आम सामान्य इंसान तो हमेशा अपने जमीर की आवाज सुनते हुए सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी ही जिएगा, और यही विचार वो अपने बच्चों और अपनी नई पीढ़ी को सौंपना चाहेगा, ना कि उनकी तरह बनना चाहेगा जो अपनी और अपने परिवार की काली करतूतें छिपाते फिरते हैं ताकि उनका रुतबा बना रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, ईमानदारी और सच्चाई आपको हमेशा तकलीफों से दूर रखेगी। जय हिंद।